यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार भले ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन भूमाफियाओं पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामले की बात करें तो देवरिया जिले के केहुनिया गांव का यह मामला है, जहां कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से खलियान, सरकारी जमीन और खेल के मैदानों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि जिला अधिकारी सुजीत कुमार का ये कहना है कि एक खास टीम का गठन किया गया है, जो अवैध कब्जाधारियों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी और किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जो विभिन्न लोगों द्वारा शिकायतें की जा रही है, उन सबको भी पूरा कंपाइल कर लिया गया है, चाहे वो IGRS के माध्यम से प्राप्त हुई हो या अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई हो। सभी जितने भी हम लोगों का यह प्रयास है कि जितनी सरकारी भूमि पर या किसी की पर्सनल भूमि पर भी अगर यदि अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसको सूचीबद्ध कर लिया गया है। हमारे जनपद में अब तक प्रथम सप्ताह में करीब 72 गांव के हमें सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। इस सप्ताह भी काफ़ी सक्सेसफुली ये अभियान हमारा चल रहा है। इसके विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि 32 की भूमि है, ग्राम सभा की भूमि है, अवैध कब्जा है, काफ़ी दिन से कब्जा है और उसको जितना जल्द हो सके, प्रार्थी की मांग अलग है, हमारी मांग अलग है। पूरे खलिहान पे उनका कब्जा हुआ और बहुत दिन से कब्जा है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, हमने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, लेकिन वो पैसे के बल पे वहाँ टिके हैं आज तक भी, जबकि पूरे शासन से लेकर प्रशासन तक उसको खाली कराने का आदेश है, लेकिन फिर भी खाली नहीं हो पा रहा है।